द केरला स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, तो फुल एंड फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लेके आ चुका हूँ 30वां दिनों तक। जी हाँ दोस्तों, 30वां दिनों तक कितनी कमाई की है, 30वां दिन क्या कलेक्शन आई है इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे, उसी पे चर्चा करने के लिए फाइनली तैयार हो चुका हूँ। तो दोस्तों, अदा शर्मा को फिल्म को रिलीज किया जाता है 5 मई को, यानी कि दोस्तों 5 मई को थिएटर में रिलीज होती है और वो दर्शकों को प्यार बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मिल लेती है। यानी कि दोस्तों एक बेहतरीन ओपनिंग से फिल्म स्टार्ट होता है और मात्र 15 करोड़ का बजट रहता है फिल्म का। दोस्तों ये सिलसिला चलते रहती है और फिल्म का आ जाता है 30वां दिन, यानी कि दोस्तों 30वां दिन 3 जून को कंप्लीट कर लेती है। उस दिन पड़ता है सैटरडे, यानी कि दोस्तों शनिवार का कलेक्शन बताऊं तो 1.60 करोड़ का बिजनेस करती है। जी हाँ दोस्तों, सीधा उछाल देखने को मिलती है। फ्राइडे यानी कि दोस्तों 2 जून का कलेक्शन का बात करूँ तो मात्र 1 करोड़ का बिजनेस किया था, लेकिन दोस्तों 1.60 करोड़ का बिजनेस करता है सैटरडे को, यानी कि दोस्तों 60 लाख का जो उछाल देखने को मिलता है फिल्म में। और दोस्तों ये 30वां दिन का ऑल टोटल बॉक्स ऑफिस का बात करूं तो ऑल टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन द केरला स्टोरी मूवी का हो चुका है 234.32 करोड़ का। जी हाँ दोस्तों, 234.32 करोड़ का ऑल टोटल बिजनेस हो चुका है 30 दिनों में। तो दोस्तों मात्र 15 करोड़ की बजट और 234.32 करोड़ अभी तक हो चुके हैं 30 दिनों में फिल्म का। तो दोस्तों इससे साबित हो जाता है कि फिल्म का, अगर जो आप फिल्म बेहतरीन बनाते हो तो फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बेहतरीन आता है। तो दोस्तों ये थी लेटेस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन द केरला स्टोरी मूवी से। तो दोस्तों आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और इसी तरह लेटेस्ट न्यूज़ चाहते हैं तो हमारे चैनल समोसा क्रिटिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और दोस्तों आप दे भाई को इजाज़त। भाई मिल रहा है नेक्स्ट वीडियो में।